एक पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग उत्तराखंड के जो निवासी है उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च शांति और प्रगति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान कार्य चाहे कितना भी कठिन, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा। आज मैं अपील करने आया हूं सबको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करेंगे। मैं अभी जब जनरल बीपी रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बीपी रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर लाली नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं, ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर है। जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकते, चाहे थलसेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो, उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखा। इसीलिए मोदी जी ने यहां पर 1734 शहीद परिवारों के घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। 50 दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेकानेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ने का काम हुआ। 2014 में आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी, उत्तराखंड की 500 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1952 से ये विमान चलिया गई और कुछ कांग्रेस ने किसी ने किया गई समाज में था। जैसे मोदी जी ने 2015 में
आगे चलते रहिए चाय वही जो अतिथि मन भाए संजीवनी तारा टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। कैडेट्स के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा राष्ट्रहित से बड़ा ना कोई हित ना कोई भक्ति, पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए बांटे पर्चे, रुद्रनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ से मांगा विजय का आशीर्वाद। मेरठ पहुंचे सीएम योगी का विपक्ष पर वार, बोले विरोधियों ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया, थोड़ी देर में हस्तिनापुर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। एसपी उम्मीदवारों पर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल, कहा हम गन्ना की बात करते हैं वो जिन्ना की बात करते हैं, आजम खान और अब्दुल्ला को लेकर भी अखिलेश पर बोला हमला। बीएसपी ने किया चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लखनऊ की सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, लिस्ट में 16 मुस्लिमों को दिया गया है टिकट। प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों में छेड़छाड़ से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एससी एसटी के आरक्षण के लिए आंकड़ों को बताया जरूरी, कहा समय समय पर हो समीक्षा, केंद्र तय करे अवधि। को प्रेजेंटिंग इजी पे, ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड, को पावर्ड बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, स्पेशल पार्टनर संजीवनी गोल्ड टी, चाय वही जो अतिथि मन भाए। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं।
अनुग्रह राशि गायन और वीर गति प्राप्त करने वाले दोनों जवानों के लिए प्रदान की गई। उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उसके अनुबंध के आधार पर जो मानदेय मिलता था उसमें 20% की वृद्धि की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सेना के जवानों की सुविधाओं को अपग्रेड करने का एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाया है। मित्रों, रक्षा के आधुनिकरण और शस्त्र के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। मित्रों, सैनिकों को आधुनिक से आधुनिक रक्षा सामग्री मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने किए। आज 36 अप्रैल का पीड़ा वायुसेना के तत्वावधान में हमारी सेना और देश की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। अपा से हेलीकॉप्टर, चीनू हेलीकॉप्टर, सर्वेश टू एयर मिसाइल, होविटर तोपे, आर्टिलरी गन, बुलेट प्रूफ जैकेट को अपग्रेड करना और AK-203 राइफल देना, ये सारी चीजों में भारत सरकार ने कोई नहीं। सर के हाथ में जो राइफल थी वो राइफल को इतने सालों के बाद बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और बुलेट प्रूफ जैकेट तो अब संपूर्ण स्वदेशी है और देश में से विदेश भी जाते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक मशीनरी आज भारत में डिफेंस के उत्पादन के लिए आ गई। जो सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने में ढेर सारा खर्चा, ढेर सारा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। सीमा से सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 लगभग 6,000 किलोमीटर से लंबा रास्ता बनाने का काम चालू है। अटल टनल का काम भी चालू हो गया है। लगभग 44 विदेशी किलो ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 74 सड़कें पूरी हो गई हैं और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी चालू। उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और 4 धाम यात्रियों को पहुंचने के लिए 11,700 करोड़ का 4 धाम और वेदर रोड बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। और चीन की सीमा तक जो सामग्री पहुंचानी है वो तुरंत पहुंचा है। मौसम के अनुकूल सड़कें भी यहां पर बन रही। मैं आप सभी को यही कहने आया हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सेना के जवान है, हमारी सेना है, हमारे वीर जवान। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भाषण में नहीं, सरकार की योजनाओं के चरितार्थ निकाला था। मित्रों, 2022 में फिर से 5 साल के लिए उत्तराखंड की एक सरकार बना। मैं आप सभी से अपील करता, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, राहुल जी की सरकार देखी, कितने बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, ड्रीम ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा पाया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हमारे युवा मुख्यमंत्री डांगी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली पार्टियां बन रही थी और यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सब
फिर सरकार का नाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का नाम दिया जाता है। तो डबल इंजन की सरकार नीचे तो उसका सामने की सरकार है ही, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का चार धाम का और मेजर के रोड भेजेंगे, मगर ग्राम साहब उसको पूरा नहीं होगा। हम योजनाएं तो भेजेंगे मगर वो गैस का सिलेंडर उन गरीब महिला के घर में पहुंचने नहीं। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं। जो मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी हमने, आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं। हरीश रावत जी ने अंतर तो इधर उधर करकर अपनी सीट को निश्चित कर ली, काफी इधर उधर हो गया, आधा होगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा ना फिर यहां होगा अंत में गए बस गए। मगर मैं हरीश रावत जी इतना ही काम के बात कहने आया हूं कि बहुत कर लिया आपके उत्तराखंड में, अब हमारे युवा मुख्यमंत्री का बात है। जो हरीश रावत जी को आज उत्तराखंड की देवभूमि में बनाया। हरीश जी आप जरा बताइए कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या बड़े काम, आप गिना सकते हैं तो देवभूमि की जनता के सामने उसकी सूची रखिए। मैं तो 5 साल का हिसाब लेकर आया हूं, 12,000 करोड़ का चार धाम का रोड बनाने का काम केदारनाथ का पुनर्निर्माण जिसके कांग्रेस के सरकार में आपदा के बाद केदारनाथ का जो हाल हुआ था, उत्तराखंड की जनता का जो हाल हुआ था तो उसमें भी कमरे हुए थे। अब उत्तराखंड की सरकार भूमि सिद्धि लगभग 225 और द्वितीय चरण 184 करोड़ रुपए का काम करकर आज केदारनाथ दुनिया के लिए खुला है, पुनर्निर्मित हुआ है। और मैं समाप्त होगा तो केदारधाम और आदि शंकर की मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे और हमारे पर्यावरण का और हवा पता है कि काम मोदी जी ने स्वयं अपनी देख रेख किया है। बद्रीधाम हमने जारी होना 424 करोड़ की, इसमें से 250 करोड़ रुपया खर्च होना शुरू हो गया है और 2023 के आसपास बद्रीधाम को भी पूर्ण रूप से विकसित कर देंगे। पूरी योजना इसमें ब्रॉडगेज रेल लाइन का विकास हो रहा है, 16,000 करोड़ रुपए खर्च होना है, 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगे और 16 पुल। और तभी योजना पलायन रुकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सुविधाएं ऊपर जाए, शिक्षा की व्यवस्था ऊपर करनी पड़ेगी और रोजगारी भी ऊपर ले जानी पड़ेगी, तभी जाकर पलायन रुकेंगे। इसी तरह पर टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना लगभग 2022 में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के बीच में रोपवे की परियोजना अभी अभी मोदी जी घोषणा कर रहे हैं, ये भी तुरंत शुरू होने वाली है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास लगभग एक होने के बाद 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आर्थिक विकास कितनी तेजी से। हरिद्वार से हरकी पौड़ी चंडी देवी मंदिर का रोपवे का निर्माण भी चालू हो गया है। देहरादून शहर में नियो मेट्रो 2 करोड़ में बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया।
बहुत सारा है। कोस्ट गार्ड का प्रति सेक्टर क्या बनाया गया? निश्चित